वालेकुम, आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मेरा आज हाले झील की तरफ रुख है और आपको आज हाले झील की सैर करवाने लगा हूं, जो कि कराची से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कैमरामैन साहब इस तरफ दिखाएं तो ये रास्ता जा रहा है ठट्टा की तरफ, और ठट्टा से 18 किलोमीटर पहले ये रास्ता जो आप देख सकते हैं ये जा रहा है हाले झील की तरफ। तो हमारे साथ रहिए, इस व्लॉग को पूरा देखें और आज हम आपको एंजॉय करवाते हैं। ये बहुत खूबसूरत झील है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर फ़िशिंग करने आते हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर मुनफरिद अंदाज के परिंदे हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। कराची से 100 किलोमीटर की ड्राइव करने की थकन हाले झील पहुँचते ही उतर गई। जब एक तरफ खूबसूरत झील देखी तो दूसरी जानिब हरियाली ही हरियाली थी। झील के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं में और परिंदों की मीठी आवाज़ों में इतना मशगूल हो गया कि जो लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकता। जी तो आप देख सकते हैं मेरे कब में ये है हाले झील। यहाँ पर तैरना अलाव नहीं है क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं और दूसरे परिंदे पाए जाते हैं, दूसरे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से रेनोवेशन अभी चल रही है, रास्ता बन रहा है। आपने जैसे देखा होगा मुख्तलिफ शॉट्स में कि जो रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठट्टा के रोड से जो रास्ता है वो लेफ़्ट साइड पर एक रास्ता अंदर जा रहा है जो कि हाले झील की तरफ आ रहा है। ये लेक है हाले झील, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ़िशिंग करने आते हैं। ये लेक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नाइट स्टे करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ नाइट स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं और इस हसीन जो झील है उसको उससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। कैमरामैन साहब को मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर आएँ तो ये देखें कि किस तरीके का पानी है, और हद निगाह ये झील ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इसकी जो हद है वो किंजर लेक की तरफ इसकी हद लग रही है, क्योंकि ये हाले झील लेक है ये एक हिस्सा, और ये किंजर लेक की तरफ ये जो पानी है ये किंजर लेक की तरफ ही जा रहा है और मीठा और साफ़ और शफाफ पानी है। लेकिन इस पानी में जाने से मना किया गया है यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ हैं और दूसरी जो समंदरी मखलूक है वो यहाँ पर पाई जाती है। और अगर कैमरामैन साहब इस तरफ आए मेरे साथ तो आप देख सकते हैं कि ये इतना प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र परिंदों का, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है ये मंज़र, ये इतना खूबसूरत मंज़र चल रहा है हमारे पीछे परिंदों का, और मुख्तलिफ परिंदे यहाँ पर पाए जाते हैं। आते हैं लोग वो अपना खाना पीना साथ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है। यहाँ की इंतज़ामिया से बात हुई है तो कुछ अरसे में यहाँ पर दुकानें और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स खोलने का इम्कान है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपना खाना पीना और अपना साजो सामान लेकर आते हैं। अगर हुकूमत तवज्जा दे यहाँ पर तो बेहतर तरीके से और एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। 18 किलोमीटर पहले ये रास्ता लेफ़्ट साइड में अंदर जाता है, हाले झील इस झील को कहते हैं, और ये एक अच्छा और बेहतर तरीके से और ख़ूबसूरत एक पिकनिक पॉइंट बन सकता है।
जी तो आप देख सकते हैं कि मैं हर्ट में मौजूद हूँ। ऐसे मुख्तलिफ हर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोग आते हैं और फिशिंग करते हैं। ये हाले झील लेक जो है, इसका जो आम लोग हैं उनको नहीं पता, बिलखसूस जो शिकार से मोहब्बत करते हैं, जिनको शिकार पसंद है करना, जो कि नाइट पूरी पूरी रात शिकार करने में मशगूल रहते हैं, उनको पता है इस लेक का। लेकिन ज़्यादातर जो आम लोग हैं उनको नहीं पता। अगर हुकूमत यहाँ मुतवज्जा होकर काम करवाए कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि अभी जो यहाँ का हाले झील का रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर कराची की आवाम बिलखसूस यहाँ का रुख कर सकती है और ये अच्छा और बेहतरीन एक पिकनिक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी हैं और यहाँ पर जो है ये मुख्तस किया गया है बिलखसूस फ़िशिंग के लिए। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया से हमारी जब बात हुई है तो इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर बोटिंग का अमल भी कुछ अरसे में किया जाएगा और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ भी यहाँ के लोगों को दी जाएंगी और मुख्तलिफ फैसिलिटेट मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा यहाँ पर जो लोग आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और इस तरह के अगर आपको व्लॉग देखने हो तो इसमें आप अपना प्यार दिखाइएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो ऐसे ही आपको मुख्तलिफ नई नई जगहें एक्सप्लोर करवाते रहेंगे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस लेक पर अपने प्यारों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।